अभी हम देखेंगे कि किसी के स्पाइन के मनकों को कैसे हम सेट करेंगे। किसी का कमर में दर्द है, किसी की जकड़न है, किसी का खिंचाव है, कहीं पर कोई मनका ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस समय पर हमें स्पाइन को सेट करने की ज़रूरत है। स्पाइन को सेट करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। पहले उसके हर मनकों को हमने रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पाइन को क्लॉकवाइज करेंगे, ऊपर से नीचे करेंगे, नीचे से ऊपर तक करेंगे। फिर उसके बाद हल्का सा हम क्या करेंगे, स्पाइन को जर्क देना है। तो आइए देखते हैं कि किसी के स्पाइन के मनकों को कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, झटका देने से पहले हमने स्पाइन के हर मनके को धीरे धीरे रिलैक्स करना है। यानी कि यहाँ पर हम धीरे धीरे देखेंगे कि पूरे स्पाइन पर हम क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और एंटी क्लॉकवाइज करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। स्पाइन को सेट, देखिए हमारा जो पर्पस है स्पाइन को सेटिंग है। अब स्पाइन की सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये भी कर सकते हैं, पहले दोनों हाथों को आप इस तरीके से थोड़ा खिंचाव देते हुए ऊपर की तरफ रखें और हल्का सा जर्क ऊपर की तरफ करें और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आए, फिर ये खिंचाव दें, फिर ये हल्का हल्का सा अपने ट्रैक्शन देकर नीचे की तरफ, मतलब आपने आते हुए आना है लेकिन ऊपर की तरफ हम जर्क देते हुए चले जाएंगे, ये है ना, हल्का हल्का जर्क देते हुए हमने स्पाइन को सेट करना है। हमारा पर्पस है स्पाइन की सेटिंग। अभी इसी क्रिया को हम उल्टे भी करेंगे, यानी कि अब यहां से बैठकर अगर हम ध्यान दें, अब नीचे की तरफ हमने नीचे की तरफ खिंचाव दिया और हल्का सा जर्क नीचे 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 और पीछे की तरफ से, यानी कि यहाँ से हम हल्का हल्का नीचे नीचे। इसके बाद में हम हाथ को इस तरीके से रखेंगे जैसे हमने यहाँ रखा और इस तरीके से ऊपर घुमाया और यहाँ से हल्का सा प्रेशर ऊपर, फिर साइड में रखा, इस तरीके से रखा है ना, ये तिरछा रखा और ऊपर गए हल्का सा ऊपर जर्क, फिर नीचे आए, फिर घुमाया हल्का सा ऊपर, फिर और नीचे गए ऊपर से ऊपर घुमाया और ऊपर जर्क दिया, इस तरीके से घुमाया और ऊपर जर्क दिया है ना। तो ये हम स्पाइन की सेटिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कर कर आपने पूरी स्पाइन को रिलैक्स करना है ना। और इसी तरीके से हम अब वापस, यानी कि यहाँ रखा और अब उल्टा घुमाया और नीचे सेट किया, उल्टा घुमाया और नीचे सेट किया, उल्टा घुमाया और नीचे सेट किया, नीचे सेट किया, नीचे सेट किया, नीचे सेट किया, है ना। तो ये मनकों को सेट करने का तरीका है। दूसरे हाथ से आप सपोर्ट लेंगे, तो एक बार हमने ऊपर की तरफ घुमाया ऊपर करा, जब हम नीचे की तरफ घुमाएंगे तो नीचे करेंगे, एक बार ऊपर करा तो ऊपर घुमाया, नीचे की तरफ घुमाया तो नीचे करेंगे। तो भाई ये हाथ की मूवमेंट और आपके बैठने की डायरेक्शन आपकी चेंज होगी। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सामने बैठकर करेंगे तो और अच्छी तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना? तो ये स्पाइन को सेट करने का तरीका है।